मणिपुर में, मणिपुर में जो हुआ है वो मणिपुर में नहीं, वो भारत में हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है, जब भी देश के अंदर कहीं भी धर्म के नाम पर गुंडागर्दी होती है या मारपीट होती है या फिर दंगे होते हैं तो इन सब बातों में आरएसएस का हाथ जरूर पाया जाता है। तो ठीक इसी बात को लेकर के मैं आपको बता दूं, मणिपुर के अंदर जो घटना हुई है उसके अंदर भी आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिन महिलाओं के साथ ऐसा हुआ था वो महिलाएं क्रिश्चियन थी और जिन्होंने किया था वो लोग हिंदू धर्म से थे। तो इन सब बातों को लेकर के रांची झारखंड के अंदर बहुत सारे आदिवासी लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया, जिसके अंदर उन्होंने मांग करी कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। और जिस तरीके से आरएसएस को इस महिला ने धोया दोस्तों, आप देख करके बहुत हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सचमुच में जो मणिपुर के अंदर हुआ है वो बहुत ज्यादा दिल दुखाने वाला और बहुत ज्यादा आत्मा को झिकझोड़ करके रख देने वाला वाक्य है। इसी की वजह से दोस्तों आज पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। पहले दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए कि इस महिला ने इन सब बातों को लेकर के क्या बोला और आरएसएस के बारे में क्या बोला। एक बार पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। अभी कौन है, किस नरेंद्र मोदी की बात आप लोग पूछ रहे हैं? कौन सा नरेंद्र मोदी? भारत में कोई नरेंद्र मोदी नहीं है। कौन सी नरेंद्र मोदी, कौन सा नरेंद्र मोदी? ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है भारत देश में। यहाँ कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री भी नहीं है मणिपुर में। मणिपुर में जो हुआ है वो मणिपुर में नहीं, वो भारत में हुआ है। आदिवासी महिलाओं के साथ नहीं, वो भारत की महिलाओं के साथ हुआ है। ये कौन आदिवासी, कौन बिना आदिवासी? ये महिलाओं के साथ हुआ है, हर एक माँ के साथ हुआ है, हर एक बहन के साथ हुआ है, हर एक दीदी के साथ हुआ है, हर एक बेटी के साथ हुआ है। देयर इज नो नरेंद्र मोदी, देयर इज नो भाजपा सरकार, देयर इज नो भाजपा सरकार। लोगों के हाथों पे तकिया है, उस पे लिखा हुआ है आरएसएस को बैन करो, क्या कहना चाहेंगे इसको? किसको बैन करो? आप लोगों के हाथों पे तकिया है, उसमें लिखा हुआ है आरएसएस आतंकवादी संगठन है, वो आतंकवादी प्रूफ है। आरएसएस आतंकवाद है, प्रूफ किया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, वो खुद प्रूफ कर रहा है, आप देख रहे हैं। आरएसएस बीजेपी ही आतंकवाद है और कोई दूसरा आतंकवाद नहीं है। और आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करने वाले आप सारे लोग भी आतंकवाद है। आप मीडिया के द्वारा हम बताना चाहते हैं, जो भी सपोर्ट करते हैं वो भी आतंकवाद है, क्योंकि वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और पूछिए, अभी आपने इस वीडियो को देख लिया और आपने देखा किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को इस महिला ने बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया, और ऐसा करना बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं से तो सवाल जवाब किए जाएंगे। और आरएसएस को बैन करने की बात दोस्तों इसीलिए की जा रही है इन आदिवासियों के द्वारा, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसका हाथ आपको हर एक दंगे के अंदर देखने के लिए मिलेगा, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे हिंदू और ईसाई लोगों की लड़ाई हो, या फिर मुस्लिम और हिंदू लोगों की लड़ाई हो, कहीं पर भी हो वहां पर आपको आरएसएस का हाथ देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये शख्स दिखाया जिसकी खुद की काम वाली बाई ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, और ये छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी बातें बोलता है कि हम धर्मांतरण रोक देंगे, हालांकि धर्मांतरण नहीं होता है, लेकिन इसको एक मुद्दा चाहिए उसको बोलने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इसको भी फंडिंग आता है आरएसएस की तरफ से, और आपको पता है किस तरीके से ये वहां के आदिवासी लोगों को भड़का करके क्रिश्चियन लोगों से लड़वाता है। इसीलिए दोस्तों ये जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, जो कि ये लोग दिख रहे हैं आपको, ये लोग इतने भड़के हुए हैं, ये खुद ये महिला इतनी भड़की हुई है आरएसएस को लेकर के। मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, अगर आरएसएस हमारे देश से बैन हो जाए तो बहुत सारे दंगे जो कि आए दिन हमें देखने के लिए मिलते हैं धर्म के नाम पर, वो होने बंद हो जाएंगे। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं, जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।